जोरदार तालियां बजाएं खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम के बनाते हैं वो खुदा के कलाम को पेश करेंगे, खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां और जोरदार और जोरदार तालियां चाहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस का कि जिसने आज सुबह फिर हम सबको इकट्ठा किया कि हम खुदा उनके कलाम पर निगाह कर सकें और उसकी हिकमत की बातों को सीख सकें। आमीन। मैं अक्सर इस बात को कोट किया करता हूँ कि खुदा का कलाम रूह कुदस की तहरीक से लिखा गया और इसको समझने के लिए रोल को उसकी तहरीक का होना जरूरी है। जब तक हम इंसानी अकल से खुदा के कलाम को बयान करने की कोशिश करेंगे, जब हम इंसानी अकल से खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हम उस बरकत से जो खुदा के कलाम को सुनने समझने और उस पर अमल करने से मिलती है हम महरूम रह जाएंगे। सो आज मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मुझे अपने रूह से भरा है। इस मदासराई के दौरान मैं खुदावन की कुदरत को अपने अंदर महसूस कर रहा था। सुबह मैं बहुत एब्सेंट था, काफी दिनों से ड्यूटी की वजह से मैं कुछ थका हुआ था और जब मैं सुबह घर पहुंचा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मैसेज क्या बयान करूं। रात को मैंने मैसेज तैयार किया जब मैं ड्यूटी पर था, घर में भी आकर मैं उसके ऊपर बाइबल में से कुछ हवाला जा देख रहा था, लेकिन दिली तौर पर जैसे मैं किसी भी बात के लिए मुत्तफिक नहीं था। अब जब हम मदासराई कर रहे थे तो वो सारी बातें जो मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो गीत जो मैंने अपने दिमाग में सोचे हुए थे, वो मसा जो यहाँ पर मुझे मिला उसने मेरे अंदर दिलेरी पैदा की कि जो कलाम मैं तुझे दो दिन से दे रहा हूँ वो ही बयान कर। आमीन। जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह करते हैं तो आज हम कैसे दौर में से गुजर रहे हैं। हर तरफ जंगल जदल है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई किए हुए है और अगर हम अपने खानदानी में आपको देखें, मुल्कों की बात नहीं करते, माशरे की बात नहीं करते, अपनी बात करें तो हर एक शख्स अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। हर एक शख्स जो अपने घर से निकलता है वो अपने आप को गैर महफूज समझता है, उसके अंदर एक ही डर होता है, हालात ऐसे हैं कोई छीन ना ले, कोई मार ना दे, कोई काट ना दे, कोई अगवा ना कर दे। जब तक बच्चे घर नहीं आते दिल खौफ से धड़कता रहता है और हर एक शख्स से चाहता है कि मैं अपने आप को और अपने घराने को महफूज कर सकूं। ऐसा ही है ना, हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई महफूज रहना चाहता है और इसके लिए दुनिया पर अगर निगाह करें तो मुल्क अच्छे से अच्छा असला बना रहे हैं, मिसाइल बनाए जा रहे हैं ताकि अपने मुल्क को महफूज किया जा सके। इंसान, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्हें जरूरत ही नहीं तो भी उनके पास वेपन है। मैंने एक शख्स से पूछा कि तुमने ये वेपन अपने पास क्यों रखा है, कहने लगा कि हालात इस किस्म के हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है कोई जो छीनेगा, लेकिन जिंदगी का डर है कि ये ना हो कि कोई मेरे से कुछ छीनने के लिए आए और मेरे पास कुछ ना हो तो वो मुझे मार ना दे अपनी हिफाजत के लिए। अगर इस दुनिया के अंदर रहते हुए हर एक शख्स अपने आप को महफूज रखने के लिए वेपन्स बना रहा है, वेपन्स खरीद रहा है, वेपन रखे हुए है, तो फिर इस दौर के अंदर रूहानी जंग लड़ने के लिए भी हमारे पास वेपन्स होने चाहिए। आमीन। और आज हम
खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से रूहानी जंग लड़ने के लिए, क्योंकि हर एक शख्स हर वक्त मुसलसल हालते जंग के अंदर रहता है। अब अपने ज़हनी जंग लड़ते हैं, अब अपने हालात से जंग लड़ते हैं, आप रूहानी जंग लड़ते हैं, तो फिर जब हम मुसलसल हालते जंग के अंदर हैं, तो फिर हर वक्त हमारे वेपन जंग करने के लिए तैयार होने चाहिए, हमारे वेपन अच्छे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, और वो वेपन जो मेरे पास हो मैं उसका माहिर भी हूं, ताकि बवक्त जरूरत फौरन उनका इस्तेमाल करके मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को महफूज रख सकूं और दुश्मन को बस्त कर सकूं। आमीन। आइए देखते हैं हमारा रूहानी वेपन क्या है और हमारा रूहानी दुश्मन क्या है। जब दुनिया जिस्मानी तौर पर खुद को महफूज रखना चाहती है, तो एक ईमानदार, एक मसीही के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपनी रूहानी हालत को महफूज रखे, अपने रूहानी वेपन्स को जाने और उनसे लेस रहे। जी, मेरे साथ निकालिए परिसु का इफ्सियों की कलीसिया के नाम खत, उसका छठा बाब और उसकी दसवीं आयत से लेकर सत्रहवीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। और इसमें यू लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे वक्त में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। इससे पहले कि हम हथियारों की तरफ बढ़े, मैं इस बात को आप पर वाजिया करना चाहता हूं और इस पॉइंट को, इस बात को हमें मद्देनजर रखकर आगे बढ़ना है कि मसीह यीशु जब इस दुनिया में आए तो वो जिस्म के साथ थे, वो एक इंसान थे। मसीह यीशु जिस्म के एतबार से क्या था? एक इंसान थे, और वो तमाम हालात, वो तमाम वाकयात जो इंसान होते हुए आज हम पर गुजर रहे हैं, वो उन तमाम हालात में से गुजरा। अनस मलकी एक गजल भी है, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। और फिर इब्रानियों के खत के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है, जब हम चौथे बाब की 16वीं आयत का मुतालिया करते हैं, कि वो हमारी तरह आजमाया गया, वो मुसीबतें, वो दुख जो हम पर गुजरते हैं उस पर गुजरे, तो भी वो बेगुनाह रहा। अब कैसे इस जिस्म में रहते हुए, क्योंकि अलोहियत की मामूरी तो उसमें सुकूनत करती थी, लेकिन उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपनी अलोहियत को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने खुदा के वेपन्स को जरूर इस्तेमाल किया। जिस्म में रहते हुए मसीह यीशु ने बाप के दिए हुए वेपन्स को अपने जिंदगी में लिया और उन वेपन्स को जहां उसे जरूरत पड़ी इस्तेमाल किया। और आज भी खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें इस बात को सिखाता है और बताता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे वक्त में क्या कर सको? मुकाबला कर सको। और इन हथियारों को जानना जरूरी है। हम अक्सर बुरे हालात में गिर जाते हैं, हम बुरे हालात का मुकाबला नहीं कर पाते। किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है, बस अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुम्हारे सामने से। अब मुकाबला करने के लिए बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है, मुकाबला करने के लिए बहुत ताकतवर पहलवान या बहुत खाऊ नहीं होना चाहिए कि बहुत खाता हूं, बहुत मोटा ताजा हूं, अबलीस आए मुक्का मारूंगा, दांत तोड़ दूंगा। नहीं, वो मुकार है, वो चलाक है, वो होशियार है, वो हमारे कमजोर पहलुओं को निशाना बनाता है। अबलीस का मुकाबला करने के लिए हमें खुदा के वेपन्स की जरूरत है,
उससे जंग करने के लिए जंगी हथियार हमारे पास होना जरूरी है, और इस रूहानी जंग में अबलीस पर गलबा पाने के लिए हमें खुदा के हथियारों को जानना, खुदा के हथियारों को हासिल करना, खुदा के हथियारों को इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर बेटा खुदा से हथियार लेकर उन्हें इस्तेमाल करता है, तो जब हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं तो फिर जरूर है जिस्म में रहते हुए हमें भी रूहानी जंग करने के लिए इन वेपन्स की जरूरत है। आमीन। आइए देखते हैं वो वेपन्स क्या है। लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रसबाजी का बंतर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से खुदा में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं एक, क्योंकि मैं इस चीज को जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझता हूं, कि एक फौजी जवान जब जंग करने के लिए जाता है तो वो सिर्फ अपनी राइफल लेकर नहीं जाता, कि वो अपनी राइफल ले और दुश्मन पर मुकाबला करने के लिए टूट पड़े, बल्कि जब वो जाता है दुश्मन से मुकाबला करने के लिए वो इन चीजों को अपने साथ लेकर जाता है, हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट, बेल्ट, शूज और अपना वेपन। ये छह चीजें उसके पास मौजूद होती हैं, क्योंकि उसे वो तब ही अच्छे तरीके से लड़ सकता है जब वो अपने आप को महफूज रखेगा। अगर वो खुद को महफूज रखना नहीं जानता तो वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। यहां पर पहली बात, पहला वेपन जो बताया गया है वो ये है कि सच्चाई से अपनी कमर कस कर, कमर कस बेल्ट को कहते हैं, और आम जब हम पेंट पहनते हैं, जैसे अभी भी मैंने पेंट पहना हुआ है, उसका ज्यादातर जो मकसद ये होता है कि पेंट तिलक ना जाए, उतर ना जाए, लेकिन फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से बेल्ट बांधने का जो मतलब है, और अगर कमर कस का हम उर्दू लुक में इसका तर्जमा देखें तो इसका मतलब है कमर कस का मजबूत इरादा। क्या मतलब है इसका? मजबूत इरादा, अपने इरादे पर कायम रहना। तो जब खुदा का कलाम ये कहता है कि कमर कस, तो एक फौजी जवान जब अपने बेल्ट बांधता है तो वो इस बात के लिए इस इरादे पर मजबूत हो जाता है कि अब जब मैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाऊंगा तो मैंने आखिरी खून के कतरे तक लड़ना है, मैंने हर सूरत में दुश्मन को पस्त करना है, मेरे लिए वापसी का रास्ता नहीं है, या मैं उस पर गालिब आऊंगा या इस जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगा। अब खुदा का कलाम बताता है कि सच्चाई से अपनी कमर कस लो, वो सच्चाई जो तुम्हें दी गई है उस सच्चाई पर तुम्हारा इरादा मजबूत हो जाए, तुम सच्चाई पर कायम रहो, सच्चाई से कभी तुम्हारे पांव डगमगाने ना पाए, सच्चाई से तुम्हारे पांव हटने ना पाए, और तुम मजबूत इरादा के साथ, मजबूती के साथ सच्चाई के ऊपर कायम रहो। अब सच्चाई है क्या? अब सब लोग जानते हैं यीशु मसीह सच्चाई है। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। सच्चाई ये है कि वो मेरा और आपका मुनजी है। सच्चाई ये है कि वो मेरा और आपका इब्जी है। सच्चाई ये है कि वो मेरा और आपका छुड़ाने वाला है। सच्चाई ये है कि वो मर गया, जिंदा हुआ और अब आबाद जिंदा रहेगा। सच्चाई ये है कि उसने
सच्चाई ये है कि वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है, उसके बगैर हम फतह हासिल नहीं कर सकते, उसके बगैर नजात का तसव्वुर करना नामुमकिन है। सच्चाई ये है कि हम यीशु ही के वसीला से बाप के फजल के तख्त के पास जा सकते हैं। सच्चाई ये है कि हमें तमाम रोगों से नजात देने वाला यीशु ही है, और जब हम इस सच्चाई पर कायम रहते हैं तो हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कलाम खतुस के अंदर लिखा है, बस सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? किसको जानो? सच्चाई। तो सच्चाई क्या है? जब हम यीशु को जान जाते हैं, जब हम उसके कामों को, उसकी कुदरत को जान जाते हैं और उस कुदरत पर खड़े हो जाते हैं, तो फिर बीमारी, गुर्बत, तंदुरुस्ती, इवन के मौत से भी हम आजाद हो जाते हैं। एक मसीही को मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि मौत मसीही के लिए नहीं है, जिंदगी में दाखिल होने का एक रास्ता है। और ये तब है जब हम सच्चाई को जानते हैं और वो सच्चाई हमें क्या करती है? आजाद करती है। सो हमें हर हाल में, हर तरह की कमजोरी में, हर तरह के दुख के अंदर सच्चाई को जानना है और खुदा के बेटे यीशु के ऊपर ईमान लेकर आना है, ताकि हम अब्लीस का मुकाबला कर सके। अगर आपके पास सच्चाई का वर्पन नहीं है, अगर आप सच्चाई को नहीं जानते, तो आप कभी भी खुदा की कुदरत को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सच्चाई से नावाकिफ हैं, तो आप कैसे अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं? वो जानता है कि इसके पास हकीकत नहीं है, वो आपको दबाएगा, डराएगा और आपको हरा देगा। जी बढ़ते हैं दूसरे वेपन की तरफ। लिखा है, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, किसका रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। पहले हम सीखेंगे कि बख्तर जो है ये किसको कहते हैं, बख्तर का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है। बख्तर एक लोहे की लोहे का छाल होता था, जो एक शख्स अपनी छाती के ऊपर उसको बांधता था, बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर एक लोहे की चेन का जाल लगाया जाता था, लोहे का बख्तर, कि अगर तलवार उसकी छाती के ऊपर लग जाए तो वो लोहे की जो चेन बनी होती थी, वो जो जाल होता था, वो उसे जख्मी होने नहीं देता था। और रास्तबाजी का अगर हम लफ्जी मतलब देखें, तो रास्तबाजी का जो लफ्जी मतलब है वो है दुरुस्त रवैया। क्या है? दूसरा वेपन जो है एक मसीही का, दूसरा वेपन उसका दुरुस्त रवैया है। वो अपने साथ कैसा रवैया रखता है, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, इन्हें बैठाए दोनों को, हमारा अपने साथ, हमारा अपने घर वालों के साथ, हमारा अपने दोस्तों के साथ, हमारा हमारे उस्ताजा के साथ रवैया कैसा है। रास्तबाजी एक दुरुस्त रवैये का नाम है। हम दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दाई की चंदा देते हैं, लेकिन जब बात हमारे रवैया की आ जाती है तो रवैये का बड़ा कोड़ा। आपका दुरुस्त रवैया आपका अच्छा हथियार है, और इस दुरुस्त रवैये के साथ आप अब्लीस पर गलबाते हैं। अगर रास्तबाजी के दुरुस्त रवैये पर हम बात करें, तो मेरे और आपके यीशु का रवैया कैसा था, उसका मजाज कैसा था? क्या वो गाली जो से गाली देते थे वो गाली देने वालों को गाली देता था? क्या वो मार खाने वालों को मारता था? क्या वो आगे से जवाब देता था? उसका रवैया एक बेहतरीन नमूना है, और उसने इस रवैये के साथ अबलीस से जंग लड़ी और जीती है। हमारा रवैया अहम किरदार अदा करता है। हम रवैये के एतबार से कैसे हैं? बहुत सारे लोग जब उनसे बात की जाए
तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन पता चलता है कि उनका रवैया बड़ा गुस्से वाला है वो जल्दी से हाइपर हो जाते हैं किसी भी बात को समझना नहीं चाहते किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते फौरन से हाइपर हो जाते हैं बाद में समझ आती है कैसा नहीं है ये दुरुस्त रवैया नहीं है दुरुस्त रवैया सही रास्ता भी है एक अच्छा रास्ता रास्तबाजी दुरुस्त रवैया दुरुस्त करदार दुरुस्त रास्ता दुरुस्त सोच रास्तबाजी है जब हम मसीह यीशु की जिंदगी पर गौर करें वो यहूदा अस्तवागी के पास गए और उससे कहा कि मुझे बपतिस्मा दे उसने कहा कि मैं तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं यीशु ने उससे कहा हमें मिलकर इस रास्तबाजी को क्या करना है किसको पूरा करना जरूर है तो रास्तबाजी मैंने बताया क्या है एक दुरुस्त रवैया है यीशु कहता हां मैं तेरे से बड़ा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा है तुझे मेरे से बपतिस्मा लेना चाहिए अगर तू मेरे से मेरा मोहताज है तो आ मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं लेकिन उसके रवैये के अंदर मोहब्बत है उसके रवैये के अंदर आजिज़ी है वो दुरुस्त सिम्मत पे चलता है उसने एक दुरुस्त रवैया इख्तियार किया एक अच्छे काम को किया और कहा हमें मिलकर भाईचारे का उपयोग देता है इस रास्तबाजी को पूरा कर इस दुरुस्त काम को पूरा करना है इस अच्छे काम को करना है हर एक अच्छे काम के लिए आपके रवैये के अंदर दुरुस्तगी होनी चाहिए आपके रास्तों के चुनाव में आपकी जिंदगी के अंदर अपने उठने बैठने वालों में आप हमेशा अच्छाई का चुनाव करें यह है रास्तबाजी का वेपन और ये रास्तबाजी का वेपन जब आपका रवैया दुरुस्त हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि ये आपके चेस्ट के ऊपर एक चेन का जाल होता था ताकि आपको हमले से महफूज रख सके अगर इसको दरामी तौर पर समझा जाए तो ये इस तरह से है कि जब हमारा रवैया दुरुस्त है तो हमारा दिल मजबूत है जब हमारा रवैया दुरुस्त है तो हम अंदरूनी तौर पर खुश हैं वो हमें हमारा दुरुस्त रवैया हमें हर तरह की मुश्किलात गमों दुखों और मुसीबतों से महफूज रखता है आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अपने तीसरे वेपन की तरफ और पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते लेकिन इससे पहले कि सुलह की खुशखबरी के जूतों पर मैं बात करूं एक लफ्ज बताना जरूरी समझता हूं रास्तबाजी के हवाले से कि जहां रास्तबाजी एक दुरुस्त रवैया है वहां पर रास्तबाजी एक अदालती लफ्ज भी है रास्तबाजी क्या है एक अदालती लफ्ज है और इसका मतलब है कि अदालत में से बेगुनाह बरी हो जाना अदालत में से बेगुनाह बरी हो जाना आप पर लगे गए तमाम इल्जामात में से आपको बाइज्जत बरी कर देने के लिए भी रास्तबाजी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हम गुनहगार हैं हमने गुनाह किया हम खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए हम उसकी कुर्बत से दूर हो गए और जब हम अदालत में खड़े किए गए तो खुदा के बेटे यीशु के लहू के वसीला से हम बेगुनाह ठहरे उसने हमारे सारे गुनाह धोकर इस अदालती लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए यीशु क्या है यीशु रास्तबाज है और उस पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहरे और गुनाह की अदालत से बाप की अदालत से बाइज्जत बरी कर दिए गए आमीन जी तीसरा क्या है पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते जब एक फौजी जवान जंग करने के लिए जाता है तो कभी आपने देखा है आपके नॉलेज में शानी भाई आपके नॉलेज में आया हो या पीछे किसी के नॉलेज में कैंची वाली चप्पल पा के जाके लड़ गया हो जुती पानी है लैलन की जुती पा ली हो खेड़ी पा के जाके लड़ गया हो क्यों क्यों वो एक आम सी चप्पल पहनकर वो कैंची वाली सोपती पहनकर जंग करने के लिए नहीं जाता बल्कि वो एक लॉन्ग शूज पहनता है इसका
इसका सबब ये होता है ताकि रास्ता में आने वाले कांटे, रास्ता में आने वाले पत्थर, वो उनके ऊपर से आसानी के साथ गुजर सके। वो हर उस चीज को जो उसके रास्ते में रुकावट का सबब बने वो उन्हें कुचल सके। स्पेशल शूज दिए जाते हैं और रूहानी जंग के लिए खुदा ने हमें सुलह की खुशखबरी के जूते दिए, ताकि तेरे रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को तू दूर कर सके और गुनाह के सबब से इंसान जो खुदा की कुर्बत से दूर हो चुका है तो फिर से उसे वापस ला सके। और अगर हमारे पांव में सलामती के सुलह के जूते नहीं हैं, तो हम खुदा की खुशखबरी को फैला नहीं सकते। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, गडरिए जब बियाबान में एक मैदान के अंदर बैठे हैं, फरिश्तों की एक बड़ी गिरोह उनके ऊपर जाहिर हुई और उन्होंने आकर उनसे कहा, आलमे बाला पर होशना, वो क्या पैगाम लेकर आए, उन्होंने क्या खुशखबरी उन्हें सुनाई। उनकी खुशखबरी के अंदर सुलह की खुशखबरी थी। फरिश्ते गडरियों के पास सुलह की खुशखबरी लेकर आए, उनके पांव के अंदर जूते जो हैं वो सुलह की खुशखबरी के हैं। और आज हर एक मसीही को सुलह की खुशखबरी देनी है, और वो मसीही जो सुलह के जूते पहनकर खुशखबरी करवाने के लिए निकलता है, मत्ती के जीव के अंदर उसके एक बड़े ही अहम अल्फाज इस्तेमाल किए गया है, मुबारक है वो लोग जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो क्या होंगे, क्या कहलाएंगे। खुदा के बेटे ने जब वो अपने जाह जलाल को छोड़कर इस दुनिया के अंदर आया तो खुदा के बेटे का काम ये था कि वो जुदाई की दीवार को गिराए, गुनाह को खत्म करे, नफरतें कदूरतें दूर हो जाए और बाप के साथ हमारी सुलह हो जाए, बाप के साथ हमारा मलाप हो जाए। और इस जमीन के ऊपर जो लोग दूसरों की सुलह करवाते हैं, जो गुनाह से निकालते हैं, सुलह सिर्फ यही नहीं कि मैं और बाजी नाराज हैं तो एक तीसरा बंदा आ गया, चलो यार छोड़ो सारी गल सुलह कर लो, सिर्फ यहां तक नहीं है। जो शख्स मुसलसल गुनाह की हालत में रहता है, जो मुसलसल गुनाह करता है उसकी खुदा से नाराजगी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो गुनाह आलूदा जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने हालात के बायस खुदा और उसके कलाम से खफा हो चुके हैं, खुदा से दूर हो चुके हैं, वो समझते हैं खुदा हमारे से नाराज है, वो समझते हैं हम खुदा से नाराज हैं, हमें उन तक रसाई करनी है, हमें उन तक पहुंचना है और कलाम के वसीला से उनकी बाप के साथ सुलह करवानी है, ताकि वो अपने हालात से बाहर निकले, खुदा के साथ सुलह करे। और जो ये काम करता है वो क्या है, मेरी दानिश के मुताबिक कलाम मुकद्दस में दो दफा फरसंद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया इस ताल्लुक से, नंबर एक कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के, किसे कबूल किया, खुदा के बेटे को, सुलह और सलामती के शहजादे को जो कबूल करता है वो भी खुदा का बेटा है, और जो उसे कबूल करता है वो उससे काम भी करता है, और जिसने सुलह को कबूल करके सुलह का पैगाम दिया उसने उन्हें भी खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा, बल्कि हक नहीं बख्शा, उन्हें बना दिया। जिन्होंने कबूल किया उन्हें हक दिया कि तुम ही उसका बेटा है, लेकिन जिसने उसके काम को किया उसे ठहराया कि तू है, तू खुदा का बेटा है, उसे ठहरा दिया गया। अब हमें सुलह की खुशखबरी का वेपन अपने पांव में लेकर इस स्पेशल वेपन के साथ आगे बढ़ना है, ताकि खुशखबरी के जूतों के साथ हम उन लोगों को जो खुदा से नाराज हैं सुलह करवा सकें। इसके लिए आप हवाला नोट कर सकते हैं इफिसियों उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं और 15वीं आयत तक, इसमें हम देखते हैं कि मसीह ने खुदा के साथ हमारी सुलह करवाई है, खुदा के साथ हमारी उस नाराजगी को यीशु ने दूर करवा दिया और हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा गया है। सुलह की एक अमूदी सुलह है और एक उफकी सुलह है, हमें इन दोनों सुलों पर काम करना है, एक सुलह पर काम नहीं करना। ज्यादातर लोग इस दुनिया में रहते हुए जो अमूदी सुलह है उसके ऊपर काम करते हैं,
और अगर मैं कहूं तो आप में से तकरीबन सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे अमूदी सुलह कौन कौन सी आदमियों के साथ सुलह अमूदी सुलह क्या जमीन पर आदमियों के दरमियान सुलह कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं कितने लोग करते हैं सुलह करवाते हैं ना अमूदी काम करते हैं लेकिन उफकी सुलह की तरफ चलते हैं उफकी सुलह है खुदा के साथ सुलह किसके साथ लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि हम खुदा के साथ बहुत कम सुलह रखते हैं खुदा के साथ सुलह ये है कि उसके हुक्मों को मानना उसके हुक्मों पर अमल करना और उसके निजात के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना आमीन वक्त को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और इन वर्कों को देखकर हम खत्म करेंगे जी अगला वर्क पर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर सिपर जो थी ये ढाल है अभी आजकल के दौर में तो मोर्चे बनाए जाते हैं और टैंक्स या गन्स के ऊपर ही शील्ड बना दी जाती है कि जिसके पीछे बंदा रहकर लड़ता है लेकिन पुराने दौर के अंदर जिस वक्त की ये बात की जा रही है जब एक जंग करने वाला जाता था तो उसके हाथ के अंदर एक मजबूत लोहे या पीतल की एक वजनी ढाल होती थी और वो इतनी होती थी कि अगर वो बैठ जाए तो अपने आगे करे तो वो सामने से आने वाले तीरों का रोक सकता था वो उस सिपर के साथ तलवार और दुश्मन के हमलों को रोक सकता था वो उस सिपर के पीछे बैठकर अपनी बॉडी को महफूज रख सकता था यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारे पास ईमान की सिपर हो इस लोहे की इस पीतल की सिपर के साथ तो अपनी बॉडी के तमाम अज़ाब को फ्रंट से महफूज रख सकता था लेकिन ईमान की सिपर के साथ हम अपने तमाम रूहानी पहलुओं को महफूज रख सकते हैं क्योंकि ईमान ही के वसीला से ईमानदार जीता रहता है ईमान ही के वसीला से हम बाप को देख सकते हैं ईमान ही के वसीला से हमारी दुआएं खुदा के हजूर मकबूल ठहरती हैं और ईमान ही के वसीला से हम हर उस चीज को जिसे देख नहीं सकते जो हमारी पहुंच से दूर होती है उसे हासिल कर सकते हैं ईमान की डेफिनेशन क्या है ईमान उम्मीद की गई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का तो ईमान एक ऐसी सिपर है कि अबलीस के हर तरह के तीरों और उसके हमलों का मुकाबला हम दलील के साथ कर सकते हैं और इस सिपर से वो हमें गिरा नहीं सकता अगर हम ईमान के ऊपर खड़े हैं ईमान के लिए लिखा है कि अगर तुझ में ईमान है राई के दाने के बराबर तुझ में ईमान है तो तू पहाड़ों को हटा सकता है कैसी मजबूत सिपर है कि पहाड़ आप को नहीं गिरा पा रहे लेकिन आप उस सिपर से महफूज रहते हुए पहाड़ों को क्या कर देते हैं गिरा देते हैं सो हमारे लिए ये एक बड़ी दलेरी है एक बड़ा महफूज वेपन है और वो ये है कि ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो जब आप आगे बढ़ रहे हैं आगे से गोलियां आ रही हैं आगे से तीर आ रहे हैं आगे से तलवार का हमला हो रहा है आपके पास सिपर है आपके पास ढाल है तो क्या आप पीछे हटते जाएंगे क्या करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि आपको डर नहीं है कि कोई गोली कोई तीर कोई तलवार मुझे लगेगी क्योंकि मेरी सिपर मजबूत है और जब आप ईमान में मजबूत हैं तो फिर अबलीस आपको गिरा नहीं सकता फिर अबलीस जब आपके ईमान पर निगाह करता तो वो देखते हैं इसकी ढाल बड़ी मजबूत है अब मुझे इसके सामने से भागना पड़ेगा आमीन अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और लिखा भी है जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खुद और निजात का ये निजात का खुद खुद कहते हैं हेलमेट को किसको कहते हैं हेलमेट को हेलमेट जो है बेसिकली इसके पहनने का मकसद ये होता था और अब भी है
पास के हमलों से महफूज रहना नहीं है। अगर एक शख्स ने हेलमेट पहना उसके सर पर रखे गोली मारो तो आर पार हो जाती है, लेकिन अगर कोई स्नाइपर दूर से फायर करता है या दूर से कोई फायर उसके ऊपर हो तो उसका सर जो है वो क्या रहता है, महफूज रहता है। अब यहां पर वो कहता है कि किस चीज का खुद तेरे पास हो, नजात का खुद, यानी कि तू नजात का हेलमेट पहन ले, तेरे पास नजात का हेलमेट हो। और नजात का हेलमेट हम किस तरह से हासिल करते हैं, जो कि खुदावंत का नाम लेगा, जो कि खुदावंत का नाम लेगा। नजात हमें खुदावंत से मिलती है जब हम उसका नाम लेते हैं, जब हम उस पर ईमान ले आते हैं। और नजात का खुद और ईमान की सिफर का आपकी जिंदगी के अंदर अहम किरदार है। सबसे पहले ईमान, और ईमान के वसीला से नजात। जब हम उसके बेटे यीशु पर ईमान ले आते हैं तो वो हमें नजात बख्श देता है, वो हमें अवधी नजात का तजर्बा बख्श देता है। कलाम मुकद्दस के अंदर मत्ती के इंजील में लिखा है कि यीशु इसलिए आया ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करे, अपने लोगों को अबलीस के हथकंडों से महफूज रखने के लिए उन्हें एक हेलमेट दे। प्रोटेक्शन है, नजात हमारी प्रोटेक्शन है, नजात हमारी इस तौर से प्रोटेक्शन है कि जब नजात पाने के बाद अबलीस हमें गिराना चाहे, नजात पाने के बाद हम खुदा के घर के उसके मकानों के वारिस हो जाते हैं, हम बादशाही के फर्जंद बन जाते हैं, और अबलीस जब उनसे हमें गिराना चाहे तो नजात का हेलमेट, नजात के हेलमेट के बगैर, ईमान की सिफत के बगैर, सुलह की खुशखबरी के झूठों के बगैर, और राष्ट्रवादी के बदतर के बगैर, सच्चाई के कवर कास के बगैर, हम खुदा के घर की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। लाइट दीजिएगा आखिरी, अगर निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदावंत का कलाम है ले। आखिरी बात क्या है, तलवार, यहां पर यह बात जानना बड़ी ही अहम है, ये बात जानना बड़ा जरूरी है। इन सारी बातों के अंदर ये जो हमने वेपन देखे हैं, सिंचाई का कमर का राष्ट्रवादी का बदतर, सुलह की खुशखबरी के जूते, ईमान किसी पर निजात का खुद, ये सारी हमारी प्रोटेक्शन है, सारी हमारी क्या है, प्रोटेक्शन है ना। सर महफूज रहे, हेलमेट पहन लिया, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली महफूज, हमने सिपर ले ली महफूज, जूते पहन लिए और महफूज। और मैं ये देख रहा था कि ये सारे वेपन हमारे प्रोटेक्शन के, तो खाली खुद को महफूज ही तो नहीं रखना, लड़ना भी तो है, क्या करना है, आज भी चंद बातें साथ साथ क्या करना है, तो लड़ने के लिए क्या चाहिए, तलवार चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि कलाम की, खुदा के रूह की तलवार ले लो ताकि तुम उसका क्या कर सको, मुकाबला करो। लेकिन मैं इन सारे वेपन्स में ये देख रहा था कि सबसे पहले खुदा ने हमें महफूज किया, उसने हमारे सर को, हमारी कमर को, हमारी बॉडी को महफूज किया, और उसके बाद हमें हथियार दिया ताकि हम क्या कर सके, लड़ सके और अबलीस का मुकाबला कर सके। लेकिन यहाँ पर ये बात ज्यादा बड़ा जरूरी है, दुनियावी तलवार क्या करती है, अबलीस किस लिए आया, हलाक करने के लिए, अबलीस इसलिए आया कि हलाक करे और मार डाले, अबलीस हलाक करने, मार डालने, पनाह करने के लिए आया। दुनियावी तलवार भी ऐसे करती है, तो आपको पनाह करती है, हमारे अक्सर दीवारों के ऊपर लिखा होता है गोली दुश्मन की जान लेने, अपनी नहीं, अपने लिए इसे इस्तेमाल ना करें, इसे दुश्मन के लिए करें, उसकी जान लेने के लिए। तो तलवार क्या करती है, मार डालती है। लेकिन ये जो कलाम की
तलवार है ये अजीब तलवार ये बात की नहीं है ये बल्कि कलाम की तलवार जिंदगी देती है कलाम की तलवार हमें जिंदा करती है कलाम की तलवार मजबूत करती है लेकिन जब कलाम की इस तलवार को अबलीस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो वो उसको तहस-नहस कर देती लेकिन जब ये तलवार हमारे लिए इस्तेमाल होती है तो ये हमारी कांट छांट करती है ये तलवार हमें जिंदगी देती है ये तलवार रोशनी बख्शती है ये तलवार रहनुमाई करती है ये तलवार हमें Amen. So, मेरे अजीजों, जरूर है कि हम इन weapons को अपनी जिंदगी के अंदर जाने, इन weapons को अपनी जिंदगी के अंदर लें। आखिरी बात ये है कि जहाँ ये हमारी protection करने के लिए दिए गए और तलवार लड़ने के लिए दी गई, तो ये सारे weapon हमें कहाँ से महफूज रखते हैं? Friends. ये सारे फ्रंट के हैं ना सर को महफूज रखा चेस्ट को महफूज रखा जूते हैं शील्ड है तो मैं देख रहा था सारे सामने सामने महफूज रखते हैं पीछे से दिल को खाली है ऐसे ही है ना ये सारे जितने भी वेपन्स हैं हमें फ्रंट से मजबूत रखते हैं